आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है। अब से कुछ ही घंटों के बाद चंद्रमा को ग्रहण लग जाएगा, तो सबसे पहले पंडित जी से चंद्र ग्रहण लगने का सही समय, इसका सूतक काल, इसका समाप्ति काल और इसके खास मायनों के बारे में जानते हैं। तो पंडित जी, आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण क्या मायने हैं, कब से शुरू हो रहा है, कब से सूतक लग रहा है? देखिए, आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, जैसा कि आप भी जान रहे हैं। ऐसे में बताना चाहूँगा कि आज कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगता है। हमारे दर्शक एक बात अच्छी तरह से जान लें, बात बहुत मोटी सी है लेकिन पता नहीं कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर ना जानते हो तो जान लें, पूर्णिमा पर जब भी ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या पर जब भी ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, कभी अमावस्या को चंद्र ग्रहण नहीं हो सकता और कभी पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता। ये बात ज्योतिष की बहुत स्पष्ट रूप से दिमाग में बैठा लीजिए। आज कुल 45 मिनट 48 सेकंड तक चंद्र ग्रहण भारत पर प्रभाव अपना दिखाएगा। चंद्र ग्रहण का प्रारंभ चंद्रोदय के साथ ही आज शाम 5:32 पर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का समापन आज शाम 6:18 पर होगा। सूतक काल 9:21 से सुबह से शुरू हो जाएगा, जो शाम 6:18 तक रहेगा। आज लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है। भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण सिर्फ पूर्वी भागों में दिखाई देगा, जबकि आंशिक चंद्र ग्रहण भारत के ज़्यादातर हिस्सों में देखा जा सकेगा। आज लगने वाला चंद्र ग्रहण मेष राशि में और भरणी नक्षत्र में लगने जा रहा है। भरणी यमराज का नक्षत्र है, ध्यान रखिएगा। इस ग्रहण का एक जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह होगा कि विश्व में कोई बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। मेष राशि के स्वामी मंगल तीसरे भाव में बकरी रहेंगे, चंद्रमा के साथ राहु होगा, सूर्य केतु शुक्र और बुध के साथ है। इन सभी ग्रहों के ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि भी है और आज चंद्रमा और सूर्य दोनों ही ग्रह पीड़ित हैं। बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि उन पर नहीं है। ऐसे में आज लगने वाला चंद्र ग्रहण काफ़ी प्रभाव सभी राशियों पर डालने वाला है। चंद्रमा भरणी नक्षत्र में होने से चंद्रमा के स्वामी शुक्र भी पीड़ित हैं। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगा था और 15 दिन के अंदर की आज चंद्र ग्रहण है। 15 दिन के अंदर दो ग्रहण आना अशुभ हो सकता है। एक मास दुई गहना, राजा मरे की सहना, ये एक देहाती कहावत है। एक मास दुई गहना, राजा मरे की सहना। एक महीने में दो ग्रहण हो तो या तो राजा मरे या तो प्रजा मरे। आज लगने वाला चंद्र ग्रहण मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए शुभ रहेगा, मेष, वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए अशुभ रहेगा। मिथुन, सिंह, तुला, धनु राशि वालों के लिए मध्यम फल देने वाला साबित होगा। आज हम आपको राशि के अनुसार भी बताएंगे कि हर राशि के लोगों को क्या उपाय करने चाहिए और उनके ऊपर इस ग्रहण का क्या असर पड़ेगा। उसके हिसाब से अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से ये ग्रहण आपके लिए वरदान बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।